हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त आपको मिलेगी या नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और आपको गूगल पे सर्च करना है पीएम किसान। जैसे ही आप पीएम किसान सर्च करेंगे, यहाँ पर ये वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का एक बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला कैप्चा कोड डालना होगा, तो ये कैप्चा कोड मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कैप्चा कोड भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है। अब मैं यहाँ पे गेट डेटा वाले बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारी डिटेल हमारे सामने निकल के आ जाएगी। जब आपकी डिटेल आपके सामने निकल के आ जाए तो सिंपल आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस में चेक करना है कि लैंड सीडिंग यस है, यानी कि ग्रीन टिक इसके सामने है या नहीं, और यहाँ पर EKYC स्टेटस यस और यहाँ पे ग्रीन टिक है या नहीं, और यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यस अगर है, और ये तीनों ही जो है स्टेटस अगर यहाँ पे यस दिखा रहा है तो आपकी किस्त आएगी। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर EKYC स्टेटस जो है अनकम्प्लीट है तो आपको जो है इसको कंप्लीट कराना होगा, या फिर अगर आपका आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट के साथ सीडिंग नहीं है तो वो जो है आपको अपने बैंक में जाकर कराना होगा। तो इस प्रकार आप पता लगा पाएंगे कि आपको किस्त मिलेगी या नहीं। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 13 इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन, यानी कि 13 किस्तें हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में हमारी पहुंच चुकी हैं। इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपका स्टेटस बिल्कुल ठीक है या फिर उसमें कुछ दिक्कत चल रही है। अगर कुछ दिक्कत चल रही है तो आपकी किस्त आने में कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। इस तरह से आप जो है अभी इसको चेक करके ठीक करा लीजिए। तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें मैंने बताया है कि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करके उस वीडियो को देखकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।